वानी अपने फैशन शो कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इसी बीच उसके सर पर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। दरअसल वो फैशन शो के कपड़ों में ही घर वापस आती है और देखती है कि घर में उसके रोके के लिए उसके ससुराल वाले आए हुए हैं। अब वो सोच में पड़ जाती है कि वो घर के अंदर इन कपड़ों में कैसे जाए, इसीलिए वो मिश्री को फोन लगाकर अपनी परेशानी बताती है। कड़के हो गया, अभी घूम जाओ, मोबाइल का शॉट ले लो, यहाँ आ जाओ। वानी, मैं भी इसी वजह से परेशान हूँ, मेरा ही रोका है और मैं ही वानी, पर इस प्रॉब्लम का मैं क्या करूँ? दीदी अब बस आ जाओ, एंड एक्शन। इस प्रॉब्लम का मैं क्या करूँ? दीदी आप जल्दी से आ जाओ, मैं कुछ करती हूँ। और तभी मिश्री के दिमाग में भी एक आइडिया आता है, इसीलिए वो कबर्ड से वानी के कपड़े निकालती है और उसे देने घर के पीछे पहुंच जाती है। मुझे बड़ पता समझ में आ रहा है जैसे। एक्शन। और देखे तो ये करे हो के सारी की क्लोज ही रखे। एग्जिट। वेटिंग फॉर हर टू कम। आवाज देते हुए मत आना। आओ, आवाज देते हुए मत आना। मानी लुका पे। पैनाउ। हालांकि मिश्री ने इतना बड़ा रिस्क तो उठा लिया है, पर देखना ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। पर क्या वाकई में इन दोनों पर किसी की नजर नहीं पड़ी है? और अगर पड़ी है और इस कपड़े में वानी घर के अंदर जाती है तो दादी माँ कितना बड़ा हंगामा करेंगी, ये सब देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड इसी तरह की और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जय शोबिज़ को।